एक डिवाइसिव पोलराइजिंग रिएक्शन आता है जब आप नॉन फिक्शन सिनेमा के बारे में बात करें. एक तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉन फिक्शन सिनेमा की कल्चर नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुई, हो रही है, व्हाटएवर. मेरे देखते हुए द लास्ट 15-20 ईयर्स में जिस जब से काम कर रहा हूँ, ज़रूर डेवलप हुई है. लेकिन ये जो पोलराइजिंग रिएक्शन है, अगर आप इसको गहरी नज़र से देखें, एक्चुअली जायज़ है. एंड आई से दैट बिकॉज जब लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न एजेंडा एंड ऑल दैट, व्हाट आई टेक इट टू मीन इज कि आप पॉवर्टी बॉर्न बना रहे हैं एक कलोनियलिस्ट नज़र के लिए, गोरों को खुश करने के लिए. एंड एक्चुअली देयर इज सम ट्रूथ टू दैट, बिकॉज इफ यू आर एक्चुअली मेकिंग फिल्म्स, और वो ज्यादातर बाहर के ऑडियंसेस एंड बाहर के फोरम्स के लिए चल रही हैं, नॉट फॉर हियर, देन उसमें ये बात जो है जरा सी सोचनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, बिकॉज इसमें जरा सी सच भी है. ऑन द अदर हैंड, हम क्या अपनी बातों को छुपाते हैं, बदनाम नहीं करना चाहते, और ये हम आईने को देखने को तैयार नहीं है? यस, ये तो 100% ये भी ट्रू है. ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी डेविस्टेटिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हैं औरतों के खिलाफ एंड माइनॉरिटीज के खिलाफ, एंड द लिस्ट गोज ऑन. और हमें जो ये जो लोग हैं जिनको नहीं मौका मिलता अपनी जुल्म को जाहिर करने के लिए, हमें ये हाईलाइट करना चाहिए केसेस, हमें कोशिश करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए इन केसेस को, तो ये चेंजेस हमारे मुल्क में आए, एंड वी होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल. बट यू हैव टू लुक एट, दैट्स वेयर द न्यूआंस कम्स. या इट्स नॉट ईदर ओर, यू नो.